हाँ सही कह रही हैं आप, इस मामले में ना पड़े। वैसे भी आप पे दूसरी कितनी जिम्मेदारियां हैं। खामोश रहता रहूं? आप फिक्र ना करें, अब जो कुछ करना है वो मुझे करना है। पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत ही प्यारा और दिलचस्प टीवी सीरियल जो सन 2000 में रिलीज हुआ, जिसका नाम था जेबू निसा। किसी दिन बुरा फंसोगी जेबू बकरी। क्या लाया? सेब। अली कितनी मतवा मना किया है, हमेशा कुछ ना कुछ ले आते हो। अब्बा ने भिजवाए तो मैं नहीं खाना तो नहीं खाओ, हमारा मियाँ खा लेगा। वैसे भी जिन्नात जैसी खुराक है। जेबू निसा एक कामयाब सीरियल था जिसमें काम करने वाली फनकारा जिसका नाम था जेबी, जेबी का असल नाम निदा काजमी था, जो ग्रेट पेरेंट्स साहिरा काजमी और राहत काजमी की बेटी हैं। इस वीडियो में हम जेबी यानी निदा काजमी की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि निदा काजमी इस वक्त कहाँ है, कैसी दिखती हैं और कहाँ रहती हैं। जेबी जिसने इस ड्रामे में बहुत ही लाजवाब अदाकारी की। जेबी मेरे बचपन का क्रश थी। इस ड्रामे में जेबी का अंदाज, उसका जिद्दी और मासूम लहजा, बच्चों की तरह बात करने का अंदाज, सच्ची बात करने की आदि, दिल को छू लेने वाली मुनफरद आवाज और लहजा, जो अपने मासूम अंदाज में ऐसे डायलॉग डिलीवरी करती कि उसकी मासूमियत देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती। मुझे पता ही नहीं चला वो कब भी टूट गया। मेरे मियां जरा जल्दी में थे तो। हाँ मैं शायद गलत वक्त पे आ गई, फिर आ जाऊंगी। नहीं आप बैठे ना, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं सुनो, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम परेशान हो। जेबी की अदाकारी लाजवाब थी। इस ड्रामे ने पाकिस्तानी मसाइल और घरेलू मामलात को वाजे तौर पर अक्सबंद किया। जेबी के साथ अदनान सदीकी उसके पार्टनर थे, जो जेबी को इस्तेमाल करता है। जेबी महमूद से बेहद प्यार करती है, लेकिन महमूद बेरोजगार हो जाता है, जिस वजह से वो अपने घर वालों से पैसे लाकर उसे देती है, लेकिन वो फिर भी जेबी से सीधे मुंह बात नहीं करता। जेबी जब प्रेग्नेंट होती है तो महमूद की गलती की वजह से जेबी का बच्चा जाया हो जाता है। वो जेबी पर तशद्दुद करता है, जिस वजह से उसका बच्चा जाया होता है। मेरा ऐसा है ही नहीं, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, वो एहसान जताने वालों में से है ही नहीं। पता है उसने आपकी जमानत कराई थी और उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताई ये बात। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आया तुम्हारे कुछ? इस वाकये के बाद जेबी ने महमूद को छोड़ दिया। महमूद यानी अदनान सदीकी ने बहुत कोशिश की, मगर जेबी ने अपने फैसले पर नजरसानी नहीं की और यूं इस ड्रामे का अख्तिताम दोनों की अलीहदगी की सूरत में हुआ। जेबी यानी निदा काजमी ने इस ड्रामे के बाद शोबिस को खैरबत कह दिया। निदा की शादी हो गई और वो कनाडा मूव कर गई। अब कनाडा में होती हैं, जबकि उसका भाई अली काजमी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। ये बहुत ही पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड घराना है। वालद राहत काजमी जो पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड फनकार है, जो CSS क्वालिफाइड है और फॉरन ऑफिस में 8 साल सर्विस भी की, मगर बाई चॉइस इस प्रोफेशन को छोड़ा और शोबिस की जानब आ गए। राहत साहब ने अपने शोबिस कैरियर का आगाज टीवी इंडस्ट्री से किया। पहला सीरियल था कुर्बते और फासले, फिर ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा, परछाइयां, धूप किनारे, रगों में अंधेरा, जिक्र कई साल का, और नंगे पाव समेत बेशुमार ड्रामों में काम किया। इसके अलावा फिल्मों में भी काम किया। काजमी साहब आजकल कराची में निकोल एडवांस स्टडीज में एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर हैं। इसी के साथ साथ ए लेवल को इंग्लिश लिटरेचर के मुतालिक लेक्चर देते हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डायरेक्टर भी हैं। जबकि निदा काजमी की वालदा साहिरा काजमी के वालद हिंदू थे, जिसका नाम था सुंदर श्याम चड्ढा, जो इंडियन फिल्मों के नामवर अदाकार भी थे और जवानी में इंतकाल कर गए। उसने एक मुस्लिम खातून से शादी की जिसका नाम था मुमताज उर्फ ताजी, लेकिन इस शादी से पहले सुंदर श्याम चड्ढा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। दोनों के दो बच्चे हुए, बेटे का नाम शाकर श्याम जबकि बेटी साहिरा श्याम। साहिरा ने राहत काजमी से शादी की और यूं साहिरा श्याम से साहिरा काजमी बन गई। ये खानदान मुंबई में रहा लेकिन बाद में पाकिस्तान आ गया। वालद सिर्फ 31 साल की उम्र में जवानी में इंतकाल कर गए। तो साहिरा की वालदा ताजी ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से शादी की जिसका सर नेम था अंसारी और यूं साहिरा श्याम से साहिरा अंसारी बन गई। साहिरा ने 70 की दहाई में रावलपिंडी से बतौर न्यूज कास्टर कैरियर की शुरुआत की। 1976 में पहला टीवी ड्रामे में काम किया जिसका नाम था कुर्बते और फासले, फिर ड्रामा सीरियल परछाइयां में देखी गई जिसमें राहत काजमी और साहिरा अंसारी एक साथ थे। दोनों की केमिस्ट्री मैच कर गई और ये दोनों मुतअद्दद ड्रामों में एक साथ नजर आए, दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा के बाद साहिरा और राहत काजमी ने हकीकत में शादी कर ली
और यूं साहिरा अंसारी से साहिरा कासमी बन गई। साहिरा ने बहुत जल्द डायरेक्शन के मैदान में भी कदम रखा। पहला ड्रामा जिसकी डायरेक्शन दी उसका नाम था धूप किनारे, जिसमें राहत कासमी और मरीना खान दोनों का पेयर बनाया गया। ड्रामा सिल जेबुनिसा भी साहिरा कासमी की डायरेक्शन में रिलीज हुआ, जिसमें निदा कासमी को मरकजी फनकारा के तौर पर जगह दी गई। निदा कासमी ने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया, लेकिन इस ड्रामे के बाद शोभे से दूर हो गई। आपको याद था? मुझे तो बहुत सी बातें याद रहती, उसके लिए छह पैसे भी तो होने चाहिए। से भी मैंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, अब मैं खुद से डरने लगा। अब निदा कनाडा में रहती है। निदा की लेटेस्ट पिक्चर्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। निदा कैमरे से दूर रहना पसंद करती हैं। निदा के बच्चे भी हैं। कनाडा में अपने शोहर के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। वालदैन और भाई पाकिस्तान में हैं, मगर वो भी कनाडा आते जाते रहते हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की दो बड़ी फैमिलीज जो खुद भी बहुत टैलेंटेड हैं और उनके बच्चे भी। पहली फैमिली राहत कासमी और साहिरा कासमी, जबकि दूसरी फैमिली नजम सेठी और जुगनू मोहसिन के बच्चे अली सेठी जो बेहतरीन गुलकार हैं, जबकि मायरा सेठी जो कि वर्सटाइल फनकारा है। बहुत ही पुर एतबार शख्सियात। ड्रामा सीरियल मेहरू निशा की जेबी आज भी बहुत ही पुरकशिश है। दोस्तों, आपके इस ड्रामे के मुतालिक और निदा कासमी के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर इनमें से कोई भी वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के अलावा भी बेशुमार प्लेलिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप ये तमाम वीडियोस वहां देख सकते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।